साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया के द्वारा किए गए सर्वे में दोनों प्रदेशों की जनता ने बीजेपी को पहली प्राथमिकता दी है। पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 48% वोटों के साथ 115 से 125 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वही कांग्रेस को 38% वोटों के साथ 57 से 65 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। सर्वे में गुजरात के 18,243 लोगों ने हिस्सा लिया। वही हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल में 6,936 लोगों ने हिस्सा लिया। पोल के मुताबिक बीजेपी हिमाचल में 68 में से 43 से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस को महज 21 से 25 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर बनी रहेगी। गुजरात में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी उम्मीदवार विजय रूपाणी लोगों की पहली पसंद है। ओपिनियन पोल में 34% वोट के साथ विजय रूपाणी राज्य में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद दिखे। 19% वोटों के साथ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल मुख्यमंत्री पद की रेस में दूसरे स्थान पर रहे। 3 इंडिलिंक्स।